अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन मैचूरियन। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। इसे फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं कि बहुत मज़े का बनता है और बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होती लेकिन बहुत मज़े का होता है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या जाएगा। तो चलें चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करते हैं। तो आप करते हैं चिकन को मैरिनेट। अब इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच मैदे के, ये डाल दूँगी। और मैंने चिकन लिया है 1/2 किलो और ये हस्बे जायका नमक, जी बेटा जी जी जी। और 1 अंडा शामिल करूँगी। एक अदद अंडा डाल दिया। और अब इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, तकरीबन ये आधी चम्मच के बराबर होगी काली मिर्च। और डालूँगी मैं इसमें और बस अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे रख देना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मैंने चिकन 1/2 किलो लिया था। अच्छा, ये मैं डालना भी भूल गई थी और आपको बताना भी भूल गई थी। मैं इसमें 1 चम्मच सुरका डालूंगी और 1 चम्मच सोया सॉस। बस अब इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके और हम इसे आधे घंटे के लिए तकरीबन रख देंगे और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे और बनाएंगे चिकन मंचूरियन के। कितना मज़े का बनता है। अभी तो वैसे भी सर्दियां हैं और सर्दियों में फ्राई बहुत मज़े की लगती हैं। अब इसे रख लेंगे आधे घंटे के लिए। जब तक ये सेट होता है आपको करना यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चले मिलते हैं आधे घंटे के बाद। अच्छा, चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमें प्याज चाहिए। हमने 2 प्याज लिए थे और इसे ऐसे काट लिया है ना, ऐसे अलग अलग कर लिया है, बारीक चॉप नहीं किया, ऐसे काटा है। और हमने 2 शिमला मिर्च ली है, इसे भी हमने ऐसे ही काटा है। और 1 चम्मच लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है, आप पीसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं केचप। और चिकन जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी है। हमने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख लिया था और अब हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद बताते हैं कि क्या करना है। मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख लिया है और तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अब इसमें मैं ये चिकन शामिल करूँगी। चिकन आपको ऐसे शामिल करना है, इकट्ठी सारी भी डालनी है, बिल्कुल अलग अलग से, एक एक को ऐसे ऐसे अलग से रखना है। अगर आप साथ ही डाल देंगे तो वो फिर ये होगा कि सारी आपस में चिपक जाएंगी। इसमें मैदा डला हुआ है तो मैदे की वजह से ये सारी आपस में चिपक ही जाएंगी। देखिए हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है और बस अब हम इसे निकाल देंगे और उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी, प्याज और शिमला मिर्च दोनों ही शामिल मैं कर दूंगी। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा ही पकाना है, बस हल्का सा सोते करना है। अब इसमें मैं ये लाल मिर्च शामिल करूँगी। अब इसमें केचप डालेंगे। केचप आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको डालना हो। और थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी। चिली सॉस तकरीबन 1 चम्मच। सिरका तकरीबन 1 चम्मच। और ये सोया सॉस, ये भी 1 ही चम्मच जाएगा। बस सबको मिलाएंगे। अब इसमें मैं ये चिकन शामिल कर लूँगी। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतना ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको इसकी ग्रेवी पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। आप इसे थिक भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं रखना, मुझे थोड़ा सा इसमें पानी डालना है बस। और बहुत यमी बन, और इतनी कम चीज़ों में इतनी ज़्यादा यमी बनती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस अब इसमें मैं 1 कप ये पानी का शामिल करूँगी। और बस इसे 10 मिनट तक पकाएंगे और हमारी चिकन मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। ये देखें, इसे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन मंचूरियन हमारी बिल्कुल तैयार है। और इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। बिल्कुल रेडी है हमारी चिकन मंचूरियन। अगर आपको थिक करनी है तो आप और भी इसे थिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। तो चने मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चले मिलते हैं किसी और ऐसी ही यमी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।